allow me to introduce myself. You're already watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain. And now it's time to have a detailed look at the newly launched iQOO Neo 7 Pro. Let's get started. Well, phone ko set up kar liya hai and the first thing that we are going to talk about its looks. Looks wise ye kafi hi badhiya dikh raha hai. Rare panel pe aapko milta hai matte finishing aur saath mein aapko mil jata hai brand ka moniker in the center on the rare panel. और अगर हम कैमरास की बात करें तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर स्क्वायरिश सा दिखाई देता है विच हाउसेस 3 कैमरास इन टोटल. सो दिस इज हाउ द रेयर पैनल लुक्स. नाउ लेट मी टेल यू वन रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जस्ट लाइक आई मेंशन दैट दिस स्मार्टफोन कम्स इन टू कलर वेरिएंट्स, दे आल्सो कम इन टू डिफरेंट मटेरियल्स. ये जो ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है यहाँ पर आपको मिलता है AG ग्लास, विच इज वाई द वेट ऑफ दिस स्मार्टफोन इज समवेयर अराउंड 199.5 ग्राम्स, क्लोज टू 200 ग्राम्स. जो दूसरा एडिशन है द फियरलेस फ्लेम एडिशन विच इज ऑरेंज कलर वेरिएंट, उसमें आपको देखने को मिलता है लेदर रेयर पैनल जिसकी वजह से उसका वेट भी कम हो जाता है. उसका वेट है 194.5 ग्राम्स, क्लोज टू 195 ग्राम्स. Now if you're somebody who would want the classic look, so I think Black Storm Edition आपको ज़्यादा appeal करने वाला है. हालांकि sides पर आपको इसमें काफ़ी हद तक blue tint भी दिखाई देता है. It's actually very distinctive, मुझे तो पसंद आया. यहाँ पर आपको साइड पे curved rear panel भी दिखाई देने वाला है. और अगर हम इसके physical buttons की बात करें तो right side पे आपको मिलता है volume rocker along with the power button. Left side is very very clean. On the top you get IR blaster, which is why you can use this smartphone as a TV remote control as well. At the bottom you will see the type C port, you will see one speaker grill and you will also get to see the SIM tray. SIM tray mein kya kya milta hai wo dekhte hain. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिम ट्रे में आपको मिल जाता है दो सिम का ऑप्शन. सो यू डू नॉट गेट टू एक्सटेंड द मेमोरी, विच इज वाई दिस स्मार्टफोन कम्स इन टू स्टोरेज ऑप्शन. You get 1 8 GB of RAM paired with 128 GB of internal storage. Price is ₹34,999. जी हाँ, इसका प्राइस यही है. और दूसरा स्टोरेज ऑप्शन मिलता है आपको 12 GB of RAM paired with 256 GB of internal storage. Price is ₹37,999. This is the price that is going to be for this smartphone. क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है आपको एक स्पेशल ऑफर भी दिख रहा है. सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द कंपनीज ऑफिशियल वेबसाइट एंड चेक आउट द स्पेशल ऑफर प्राइस फॉर दिस डिवाइस. मूविंग ऑन, लुक्स के बारे में इतना ही था जो मैं जो आपके सामने मेंशन करना था. आपको इसका डिजाइन और लुक्स कैसे लग रहे हैं वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दो. सामने की तरफ जो आपको डिस्प्ले मिलता है दैट इज 120Hz रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले. Expect good colors because that's what I am doing with this smartphone. Binge watch करने के बाद पता चलेगा कि actual viewing experience कैसा है. अभी के लिए आपको बता दिया AMOLED display iQOO इसमें डाल रहा है. Bezels की बात करें तो काफ़ी ही thin है. चारों तरफ जो bezels हैं वो almost uniform है और पतले भी हैं. That should again add to the viewing experience while watching anything on this device. अब एक जो आपको prominent चीज दिख रही होगी डिस्प्ले पे वो of course इसका है सेल्फी शूटर. यहाँ पर आपको मिडिल में पंच होल कैमरा मिल जाता है. दिस इज 16 MP ऑफ सेंसर. वहीं पर जो रेयर कैमराज हैं वो मैं आपको बता दूं 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है आपको आइसोसेल GN2 विच इज अ सैमसंग सेंसर. सेकेंडरी कैमरा जो आपको मिल रहा है वो है 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा. गुड चॉइस, आई डोंट वॉन्ट टेलीफोटो लेंस. तीसरा कैमरा जो आपको मिलता है दैट इज अ 2 MP ऑफ मैक्रो कैमरा. तो ये थी कैमरा स्पेसिफिकेशंस. ऑन पेपर लुक्स प्रॉमिसिंग बट यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैमरा क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी कैसी है. अगर कैमरा ऐप की बात की जाए यहाँ पर तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं. यू गेट नाइट मोड, यू गेट पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड और आपको मोर ऑप्शंस पर जाकर अगर आप क्लिक करेंगे तो यूजुअल जैसे आपको ड्यूअल वीडियो मोड भी दिख जाता है, टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, पैनो का ऑप्शन मिल जाता है, स्लोमो का ऑप्शन भी यहाँ दिखाई देता है. वीडियो और कैमरा की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ बता दूँ, 50 MP के साथ जो रेयर पैनल पे मेन कैमरा है उसके साथ आपको मिलता है OIS विच इज़ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन.
कितना अच्छा होने वाला है, कितनी स्टेबल वीडियोस आने वाली हैं, वो टाइम के साथ पता चलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स बैटरी कंपार्टमेंट। बैटरी की बात करें तो आपको अडैप्टर बता दिया है। दिस कम्स विद 120 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। कैपेसिटी की बात की जाए तो 5000 mAh mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। नाउ द कंपनी क्लेम्स कि यूजिंग द 120 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी यू गाइस कैन चार्ज फ्रॉम 0 to 100% ऑन दिस डिवाइस इन 30 मिनट्स। कितना सच है कितना नहीं वो बैटरी टेस्ट के बाद पता चलेगा, बट काफी ही बोल्ड स्टेटमेंट है कंपनी का। इनफैक्ट ये भी कहना है कि 5 मिनट अगर आप इस फोन को चार्ज करते हैं तो उससे आप ड्राइव कर सकते हैं अप टू 2 hours ऑफ गेम प्ले। क्रेजी राइट, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द फुल रिव्यू वीडियो। गेम प्ले की बात की है तो बहुत जरूरी है कि इसके हार्डवेयर पे भी कॉमेंट किया जाए, बिकॉज इट इज वन ऑफ इट्स नोट वर्दी फीचर्स। Why? Because the company has put in dual chip power in this smartphone. क्या है, एक तो आपको मिल जाता है Snapdragon 8 Plus Gen 1 System on Chip, जो आपको काफी सारे devices पे आजकल देखने को मिल रहा है, और दूसरा इसमें आपको मिलता है IG chip, which is independent gaming chip, just to enhance the gaming experience of the users on this device. कितना powerful है वो वक्त के साथ पता चलेगा, but definitely एक dedicated chip है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा गेम प्ले एक्सपीरियंस इस पर अच्छा होने वाला है। गेमर्स को ये खरीदना चाहिए या नहीं, दे शुड स्पेंड 35,000 ऑन दिस स्मार्टफोन और नॉट, उसके लिए इंतजार करिए हमारे रिव्यू वीडियो। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट रन्स ऑन दिस स्मार्टफोन इज फन टच ओएस 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। अब इसमें आपको थोड़े से तो प्री इंस्टॉल्ड एप्स दिखाई देंगे, जैसे कि स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, लिंक्डइन या फिर इस तरीके के नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले ऐप्स। इनको आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं तो उसका ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर की बात की है तो अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं। आईकॉन नियो 7 प्रो के साथ आपको मिलते हैं 3 ईयर्स ऑफ मंथली सिक्योरिटी पैचेस एंड 2 ईयर्स ऑफ मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स। Now, because I mentioned the price of this smartphone, 35,000 के आसपास ये आपको मिलता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस price point पे there are smartphones that are giving you 4 years of Android updates along with 5 years of security patches. कौन सा है वो स्मार्टफोन, किसकी मैं बात कर रही हूँ कॉमेंट बॉक्स में बता दो। अभी के लिए iQOO Neo 7 Pro यही ऑफर कर रहा है। सो दैट वॉज एवरीथिंग अबाउट iQOO Neo 7 Pro दैट आई वॉन्टेड टू मैंशन इन टूडेज वीडियो। Took you through the detailed specifications of the smartphone, pricing भी बता दिया है। आपका क्या मानना है स्मार्टफोन के बारे में, आर यू एक्साइटेड टू सी इट्स फुल रिव्यू, या अगर आपके कोई भी सवाल हैं रिलेटेड टू दिस स्मार्टफोन, स्पेशली जो भी हमारी गेमर वाली कम्युनिटी है ऑन द प्लेटफॉर्म, वो मुझे लिखकर कॉमेंट बॉक्स में बता दो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन माई फुल रिव्यू वीडियो। Stay tuned to Gadget Time for more such videos. Thank you for watching today's video. And now, if you haven't subscribed to the channel, please go and subscribe to Gadget Times because it's free. I'll see you in the next video.